ये लड़का जो ये सरकारी नौकर है 20,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं एकदम दोनों फ्रेश पीस है। एक बार बोल तो दिया ना टीटू से करूंगी शादी। साल भर में तो आमिर खान की पिक्चर भी दिख जाती, तुम्हारा टीटू नहीं दिख रहा। अरे टीटू, अरे हम तो कोई साड़ी भी पसंद करते है ना तो सबको बताते हैं। अरे तुमने लड़की पसंद कर ली और हमें बताया तक नहीं। तू ना जब से कमाने लगी अम्मा बन गई हमारी। तू कब तक करती रहेगी हमारा? जब तक तू मरोगी नहीं। शादी की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, गधे से गधा इंसान भी घोड़ा बन जाता है, सरपट सरपट बहुत से सीधा दिखता है। जो बनाना है पापा को वो तो बना नहीं पा रही हूँ। क्या बनाना है? ससुर जब रे बड़ा आदमी बनना है ना तो अपने को मल्टीटास्किंग करना सीखना पड़ेगा। अंबानी है जब मानी है सिर्फ सिम बेच के नहीं बना है, कई जगह दिमाग लगाता है इसलिए अंबानी है। अपनी बीवी के नाम पे लोन ले लो, सरकारी नौकरी है, लोन भी आसानी से मिल जाएगा। मैं अपने नाम पर तुम्हें लोन नहीं दिलवा पाऊंगी। पति है तुम्हारे, हक है कि नहीं इतना? अरे दे दो ना लाली, वो आटे की बीवी में 2.5 करोड़ रखे हैं, 3 लाख निकाल के दे दो, 50,000 दे दो चाय पानी के लिए। मेरे मम पापा से पैसे क्यों लेकर आए तुम? चलो पति कमाए तो पत्नी का उसके पैसों पे पूरा हक है और पत्नी कमाए तो सिर्फ उसका खुद का। मेरे पैसों पे पहला हक सिर्फ मेरे मम पापा का है। जा मां बाप के जा। ये सब क्या है? मेहमान आते हैं बेटा तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है। कोई लड़का तो कभी अपनी बीवी को नहीं बताता कि वो शादी के बाद अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा। कब तक खाएगी तेरी कमाई? तेरी शादी हो चुकी है, आपकी गृहस्थी समान। एक लड़की होकर हम श्रवण कुमार नहीं बन सकते हैं। भैया बहुत बड़ा कांड हो गया हमारे साथ, वहाँ से ना भाग लो। डाले दाना वो जबरे पिया बेखबरे पिया उसी की पट्टी बांध लो बेखबरे पिया। अभी अगर आपको अपनी कमाई दे देगी तो उनके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? बेटा सीधा चौथी सीढ़ी पे पांव धरोगे तो हमेशा गिरोगे।